IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें। आज की पहेली है ऊंचा इतना। आज बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं बच्चों? कौन हंस रहा है भाई? किसी की हंसी तो सुनाई दे रही है। धीरे धीरे मुझे शैतान बंदर कहीं के, निकलो बाहर तुम लोग निकलो। अच्छा मौसी से छुप रहे थे, शैतानी। हाँ मौसी को बुद्धू बना रहे थे, मौसी तो बुद्धू बन गई। मैंने सोचा आज बच्चे कहाँ गायब हो गए, तुम लोग तो मुझसे बहुत पहले आ गए। हाँ। भाई क्यों आ गए? हमें पहेलियाँ पूछनी थी और उनके उत्तर सोचने में बहुत मजा आता है। अच्छा उत्तर सोचने में बहुत मजा आता है। हाँ। तो फिर देर किस बात की, ठीक है पूछे। अच्छा मैं अब पूछ रही हूँ पहेली, ध्यान से सुनना। मेरी पहेली ये है, ऊंचा इतना कि वो जाकर बादल से टकराए, कभी कभी वो अपने ऊपर ढेरों बर्फ जमाए। ऊंचा नीचा कहीं कहीं पर पथरीला रह जाए, और कहीं पेड़ों से ढककर हरियाली हो जाए। नदियों झरनों का वो घर है, लोग घूमने जाते। दूर दूर से आकर वो तो अपना समय बिताते। पहाड़। ये तो बहुत ही आसान था। ये बहुत आसान था। हाँ। अच्छा अब अगली बार आऊंगी ना, सबसे मुश्किल वाली पहेली तुमसे पूछूंगी। पहाड़ ऊंचा होता है तभी तो बर्फ जमती है ना। हाँ ठीक बात है। अच्छा किसी ऐसे पर्वत का नाम बताओ जो बहुत ऊंचा। हिमालय। ओहो तुम लोगों को तो सब कुछ आता है। अरे भाई ठीक है भाई, हिमालय पर भी बर्फ है ना। पहाड़ ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ भी तो होता है। बिल्कुल होता है, ऊंचा नीचा भी होता है, उबड़ खाबड़ भी होता है। और पहाड़ से क्या निकलता है ये बताओ। बर्फ। अरे बाबा कौन बोला नदी, कौन बोला? सब बोले बिल्कुल ठीक। झरने भी निकलते हैं। बिल्कुल सही कहा, झरने भी निकलते हैं। और क्या होता है पहाड़ पर बताओ। पहाड़ पर सब घूमने जाते हैं। पहाड़ पर सब घूमने जाते हैं, पेड़ों से हरियाली होती है। अरे वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बात बताओ तुम में से कोई गया है कभी पहाड़ पर घूमने? मेरे चाचा जी गए थे। तुम्हारे चाचा जी गए थे? और मैं तो वहीं पर ही रहती हूँ। आप पहाड़ पर ही रहते हो? हाँ। अच्छा अच्छा कोई किसी पहाड़ी जगह का नाम बता सकता है जहाँ पे सब टूरिस्ट जाते हैं, हैं खूब भीड़ होती है, बताओ। हाँ माँ 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 माउंट एवरेस्ट। नहीं मैंने जगह पूछी है। मसूरी। शाबाश। डलहौजी। वाह वाह क्या बात है भाई। एक बात बताओ तुम लोगों से पहेली पूछकर ना बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हम फटाफट जवाब दे देते हैं ना। हाँ भाई एकदम चुटकियों में ऐसे यूं जहाँ देखो वहाँ से जवाब ही जवाब चले आते हैं। मौसी अब हम आपसे एक पहेली पूछे। हाय मुझसे पहेली पूछोगे? ओह चलो चलो पूछो पूछो। मैं भी चुटकियों में जवाब दूंगी, मैं कोई डरती हूँ तुम्हारी पहेली से। पूछो पूछो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। हम सबने मिलकर ये पहेली सोची है। तुम सबने मिलकर? अरे बाबा अब तो मैं डर गई। पूछो पूछो मुझे डर लग रहा है। तो हमारी पहेली है। हाँ हाँ बोलो। ऊपर भी होता हूँ मैं। ऊपर भी होता हूँ मैं। और नीचे भी होता हूँ मैं। और नीचे भी होता हूँ मैं। टकराता हूँ बादल से मैं। टकराता हूँ बादल से मैं। अच्छा
पर पहाड़ नहीं हूँ मैं। पर पहाड़ नहीं हूँ मैं, सोच रही हूँ। अरे भाई ये क्या चीज है, ऊपर भी होता है। अभी नहीं हारी, सोच रही हूँ मैं, ऊपर भी होता हूँ। ये कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर भी है नीचे भी है? बादल से भी टकराता है वो। बादल से भी टकराता है? हार गई। हवाई जहाज है? हवाई जहाज? हाँ। वो कैसे? हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता भी है और नीचे एयरपोर्ट में होता है। बादल से भी टकराता है। ओ। और वो ऊंचा नीचा भी होता है। ऊंचा नीचा भी होता है, बादल से भी टकराता है, ऊपर भी होता है, नीचे जमीन पर भी होता है। अरे शैतानो, मौसी को बुद्धू बना दो। देखो देखो मुझे बुद्धू बनाकर कितना हंस रहे हैं ये लोग। आओ क्विज करें। अभी आप सुन रहे थे पहाड़ पर आधारित ये पहेली। कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे, ध्वनि अंकन बटिलंग लिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।